सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे कि अगर भारत 1947 में आजाद ना होता तो आज हमारा देश कैसा होता। एक ऑल्टरनेट रियलिटी के सफर पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत अगर आज भी ब्रिटिश राज के नीचे होता तो हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इकोनॉमी और हमारे समाज का क्या हाल होता। जो हमें सोचना चाहिए वो है इकोनॉमी का। आज भारत दुनिया की सबसे तेज विकसित होती हुई इकोनॉमी में से एक है, लेकिन अगर 1947 में हमें आजादी ना मिलती तो क्या ये संभव होता। ब्रिटिश राज के दौरान भारत का समर्थन सिर्फ रॉ मटेरियल्स के रूप में किया गया था। कॉटन, टी, स्पाइसेस, जूट जैसी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन आम भारतीयों को इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिलता था। आज हम मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर्स में लीडर हैं, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स आज होते तो शायद वो इस डेवलपमेंट को कभी होने ना देते, क्योंकि इसमें नाम भारत का होता। अगर आज भी ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते तो शायद भारत एक बैकवर्ड इकोनॉमी होता जहां इंडस्ट्रीज को ग्रो करने तक का मौका नहीं मिलता और हम सिर्फ एक कंज्यूमर सोसाइटी बनकर रह जाते जो मेड इन इंडिया नहीं ब्रिटिश मेड गुड्स खरीदते और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और भी बढ़ जाती और हम सिर्फ ब्रिटिश गुड्स पर डिपेंडेंट होकर रह जाते। आजादी के बाद भारत में एक डेमोक्रेसी की स्थापना हुई जहां हम लोगों ने अपने नेता चुने और अपने आप को सरकार का एक हिस्सा बनाया। लेकिन अगर भारत कभी आजाद ना होता तो हमारी पॉलिटिक्स का क्या होता। जब ब्रिटिश का राज था तो सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लंदन में लिए जाते थे और भारतीयों की उसमें कोई सुनवाई तक नहीं होती थी। ऐसे में भारत में किसी गांधी, नेहरू या अंबेडकर जैसी शख्सियत का उभर कर आना शायद दोबारा पॉसिबल ना होता। हम ब्रिटिश रूल के नीचे एक देशवासी नहीं बल्कि एक कॉलोनी बन के रह जाते। लोकतंत्र की जगह एक और सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश अथॉरिटी होती जहां आम भारतीयों का बोलना सख्त मना होता। शायद हमारी सिटीजनशिप भी हमारे ही देश में रिस्ट्रिक्टेड होती और जाति प्रथाएं और अन्य सामाजिक समस्याएं जिनको आज हमने जड़ से खत्म कर दिखाया वो शायद आज भी यूं ही बरकरार चल रही होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत एक विशाल सांस्कृतिक देश है, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान इसे दबाया गया। अगर आज भारत आजाद ना होता तो हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति किस हालत में होती। ब्रिटिश रूल के समय हिंदी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाएं दबाई जा रही थी, इसलिए आज अंग्रेजी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता। हमारी अपनी पारंपरिक कलाकृतियां शायद अपना अस्तित्व खो बैठती। शायद हमारी पुरानी संस्कृति को आज फिर से जीवित कर पाना मुश्किल होता। भारतीय कला, संगीत और नाच जहां पूरे विश्व में संरक्षित है, ब्रिटिश रूल के नीचे ये सब कुछ यूरोपियन कल्चर में दबा रह जाता। ब्रिटिश राज के समय भारत के आम लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। जमींदारी प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव और भी बढ़ चुका था, इसलिए अगर भारत कभी आजाद ना होता तो आज हमारी सामाजिक व्यवस्था सुधरने की जगह संवरने की जगह उल्टा और बिगड़ चुकी होती। आज हमारे पास समानता का हक है, लेकिन ब्रिटिश रूल के नीचे इनइक्वालिटी और भी बढ़ जाती। शायद हमारे लोग और भी गरीबी और सामाजिक अन्यायों का शिकार होते, एजुकेशन का विकास रुक जाता और आज भी भारतीय जनसंख्या के बड़े भाग के पास शिक्षा का कोई हक नहीं होता। आजाद भारत ने अपनी एक डिस्टिंक्ट पहचान बनाई है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अगर हम आजाद ना होते तो हमारी इंटरनेशनल पोजीशन क्या होती। आज भारत एक ग्लोबल प्लेयर है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश कॉलोनी होते तो शायद आज हम सिर्फ एक शैडो के रूप में होते और सॉवरेन देश होने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता और इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन लेने का तो भैया मौका ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत का आजाद होना सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, यह हमारी संस्कृति, समाज, इकोनॉमी और हमारी एक पहचान का सवाल था। अगर भारत कभी आजाद ना होता तो आज भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है, वो शायद कभी बन नहीं पाता। तो दोस्तों, ये था एक अल्टरनेट रियलिटी का सफर। कैसा लगा आपको, अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।